गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम पाठ 8 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक बहुत सुंदर है, आत्मा विश्वास। इनके लेखक का नाम है कन्हैया लाल मिश्र। स्टूडेंट्स, पाठ का सार समझने से पहले हम कुछ कठिन शब्द देख लें। हतोत्साह, निरुत्साह, बिना उत्साह का, आत्महीनता, आत्मा का अभाव, दुविधा, असमंजस, अनिर्णय, असमंजस की स्थिति। कई बार हम कुछ निर्णय लेने के लिए दुविधा में पड़ जाते हैं, तो उसके लिए एक शब्द ये भी है असमंजस, और जिसे सरल भाषा में कहते हैं अनिर्णय। अविचल, अविचल मतलब स्थिर, स्थिर मन का स्थिर होना, ये भी बहुत बड़ी बात है। स्टूडेंट्स, हमारे लेखक कन्हैया लाल मिश्र ने इस पाठ आत्मविश्वास में 4-5 उदाहरण देकर बताया कि अगर इंसान में आत्मविश्वास है तो वह दुनिया की किसी भी जीत को हासिल कर सकता है। आत्मविश्वास जो है वो मन की सबसे बड़ी जीत है। अगर तुम्हारा आत्मविश्वास कठोर है तो वह तुम कभी भी असफल नहीं हो सकते। स्टूडेंट्स, यहाँ पर सबसे पहला जो हमारे लेखक ने उदाहरण दिया है रामायण का, आप इस पात्र को जानते होंगे कि बाली, जो बाली था उसे ऐसी शक्ति प्राप्त थी, ऐसा वरदान उसे प्राप्त था कि अगर कभी उसे किसी से युद्ध करने की स्थिति आती है तो सामने वाले की आधी ताकत उसमें आ जाएगी। बाली को ये वरदान प्राप्त था। अब भगवान राम से उसका सामना होता है। भगवान राम, हनुमान जी, ये सब बैठ के सोचते हैं कि अगर इसके सामने जाएंगे तो हमारी आधी ताकत इसके अंदर चली जाएगी, तो हमारी हार निश्चित है। कैसे भी करके इसको इस दुनिया से हटाना पड़ेगा। कि जिसने अपने इस वरदान का गलत इस्तेमाल करके लोगों को परेशान किया हुआ है, और समाज की तो छोड़ो, उसने अपने भाई को भी अपने इस वरदान का फायदा उठाते हुए नहीं छोड़ा। राम भगवान कहते क्यों ना इसे वृक्ष की घेरे के पीछे खड़ा करके और इसका वध किया जाए। राम भगवान तो खैर भगवान थे, जानते थे, लेकिन तो भी उन्होंने ऐसा किया। वृक्ष की आड़ से बाली को खत्म किया, बाली का इस संसार से समाप्त किया। क्यों? क्योंकि उनमें आत्मविश्वास था कि इस तरह से मैं इसे इस दुनिया से खत्म कर सकता हूँ। कि जिसके दुष्कर्मों से समाज परेशान है, इसी तरह से हमारे लेखक ने दूसरा उदाहरण दिया है कि एक बार पति पत्नी बैठकर बगीचे में आराम से बातें कर रहे थे और खाना खा रहे थे।
खाना खाने के बाद उस व्यक्ति की पत्नी को नींद आ जाती है और वो सो जाती है, और वह व्यक्ति आराम से बाग में बैठा हुआ इधर उधर देख रहा है। अचानक उन्हें ऐसा लगता है कि सामने से कई सियार आ रहे हैं और वो डर जाता है। वो इस बात से डर जाता है कि ये सियार आएंगे हमें खा जाएंगे, और वह अपनी सोती हुई पत्नी को वैसे ही छोड़ के डर के मारे भाग जाता है। वो बिल्कुल ही नहीं देखता कि ये सियार है कि क्या है, और वह वहां से भाग जाता है। जब वो देखता है कि वो जो जानवर था जिसे वो सियार समझ रहा है वो तो कुत्ते हैं, और वो आकर चुपचाप उनका बचा कुचा खाना जहां पड़ा था वो खाने लगे, और वो उसको लगता है अरे ये तो कुत्ते हैं। उसने एक बार भी नहीं सोचा कि क्या करना चाहिए, दुविधा में पड़ गया। वो निर्णय नहीं ले सका कि मुझे क्या करना चाहिए, बस भाग कर खड़ा हो गया। जब उसने दूर से देखा कि अरे ये तो इन्होंने तो कुछ भी नहीं किया, ये तो हमारा झूठा खाना खा के चले गए। अगर वह व्यक्ति दुविधा में नहीं होता तो शायद वो अपनी सोती हुई पत्नी को वहां छोड़कर नहीं भागता। इस पाठ में कन्हैयालाल मिश्र जी ने एक और उदाहरण दिया है कि महाभारत में किशन जी ने पांडवों को इतना आत्मविश्वास से भर दिया था कि नहीं तुम युद्ध करो तुम्हारी जीत होगी। उन्होंने पांडवों को बिल्कुल भी दुविधा में पड़ने नहीं दिया, उनके आत्मविश्वास को इतना मजबूत कर दिया कि नहीं तुम युद्ध करो जीत तुम्हारी ही होगी। और आखिर में युद्ध समाप्त होने पर जीत किसकी हुई? पांडवों की। और एक और उदाहरण इसमें लेखक देते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जब एक इंटरव्यू में गए तो इंटरव्यू लेने वाले ने उनसे कई सारे सवाल पूछे, और एक एक प्रश्न का जवाब सुभाष चंद्र बोस ने सही दिया। अचूक जवाब सुनकर इंटरव्यू लेने वाला परेशान हो गया। अब उन्होंने उनसे कहा कि अच्छा ये छोटी सी रिंग में से तुम सुभाष चंद्र बोस को पार करके बताओ। सुभाष चंद्र बोस ने एक मिनट का समय नहीं लगाया, उन्होंने एक कागज की पर्ची ली और उस पर अपना पूरा नाम लिखा, और उस कागज की पर्ची को उन्होंने गोल गोल किया और उस रिंग में से पसार कर दिया। बोले देखिए मैंने पूरा सुभाष चंद्र बोस को इस छोटी सी रिंग में से पार कर दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि वो दुविधा में नहीं थे, असमंजस की स्थिति में नहीं थे, और आखिरी प्रश्न का भी जवाब उन्होंने बड़ा टिका कर दिया। इंटरव्यू लेने वाला खुश हो गया और उन्हें नौकरी में स्थान मिल गया। तो ऐसे उदाहरण देकर हमारे लेखक ये कहना चाहते हैं कि हमें ऐसे लोगों से
दूर रहना चाहिए जो हमेशा असफलता की बातें करते हों कि नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, जो गलत बोलते हों, जो अपने आप को पहले से ही हारा हुआ समझ ले, तो ऐसे नकार आत्मा विचारों वाले व्यक्तियों से हमें हमेशा दूर रहना चाहिए। उसकी बातों को जरूर सुनो लेकिन उसके विचारों को कभी भी अपने ऊपर हावी मत होने दो। अगर कोई परिस्थिति ऐसी आ जाती है तो पहले उस परिस्थिति के बारे में अच्छी तरह से सोचो, क्या गलत है क्या सही है ये निर्णय लो, और अगर तुम तुम्हारी तरफ से पूरी तरह से सही हो तो दुविधा में मत पड़ो। जहां व्यक्ति दुविधा में पड़ता है तो वो सही निर्णय लेने में हमेशा असफल होता है। अगर तुम सही निर्णय नहीं ले रहे हो तो एक तो लोगों से बात करो या उसके बारे में कुछ पढ़ो जानो और फिर निर्णय लो। दुविधा में पढ़ने वाला व्यक्ति का आत्मविश्वास हमेशा कमजोर हो जाता है। दुविधा ऐसा शब्द है कि आत्मविश्वास को वह एकदम ऊंचाई से नीचे लाकर पटक देता है। निर्णय लेने में वह हमारा साथ नहीं देता, इसलिए दुविधा में मत पड़ो। सही निर्णय अगर ले रहे हो तो ले लो। इस तरह से हमारे लेखक ने आत्मविश्वास पाठ में कुछ उदाहरण देकर हमें मजबूत बनने के लिए कहा है। स्टूडेंट्स, बहुत ही अच्छा पाठ है ये। अगर आप इस पाठ को पढ़ेंगे तो आप और ज्यादा समझ सकते हो और आपके हर प्रश्न का जवाब आपको पाठ में से मिल जाएगा। स्टूडेंट्स, एक और बात आपको कहना चाहती हूँ कि ये मत सोचना कि जो आपके प्रश्न स्वाध्याय में दिए हुए वही प्रश्न को हम पूछेंगे। हो सकता है पाठ के अंदर से भी हम कुछ प्रश्नों को ट्विस्ट करके पूछ सकते हैं, इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि आप एक बार दो बार पाठ को जरूर पढ़ें। काव्य का भाव मैं आपको बताती हूँ लेकिन आप काव्य की दो दो तीन तीन पंक्तियां पढ़कर जो मैं भाव आपको बताती हूँ वो भी सुने तो आप लोग हर प्रश्न का जवाब लिख सकते हो। बाकी रही ग्रामर की बात, ग्रामर मैं आपको लिखवाऊंगी और आपको फिर भी कुछ परेशानी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।